शासन प्रशासन की तमाम कवायदों के बावजूद यहां जानलेवा चाइनीज मांझा की बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है। फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत टंडी सड़क पर गैस सिलेंडर लेकर बाइक से घर जा रहे युवक पतंग से जुड़े चाइनीज मांझा की चपेट में आ गया। चाइनीज मांझे से युवक की गर्दन कट गई। जान बचाने के लिए चिकित्सकों को गर्दन में हुए घाव पर 27 टांके लगाने पड़े। युवक को गंभीर हालत में शहर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। रहने वाले हैं आप? 184 केशव नगर। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई थी, सिलेंडर लेने जितेंद्र एजेंसी, हमारा भतीजा शिवम कुमार बाइक चला रहा था और गुरुशरणम पैलेस ठंडी सड़क पर पहुंचते उससे पहले 10 कदम ये एकदम से धागा आया और गले में अटक गया। मंजा था, बहुत टाइट था, दूर से कोई पतंग उड़ा रहा था और गले में फंस गया। तो भतीजे बोला कि हमारे गले में कुछ चाटा, मंजे ने मेरी गर्दन काट दी। हमने कहाँ कहाँ एकदम जैसे देखा, मैंने धागा पकड़ा तो मेरी उंगली में भी फंस गया वो। तो उसके बाद देखा तो बहुत ज्यादा चोट थी गले में, अंदर मतलब गड्ढा जैसा दिखाई देने लगा, खून से लथपथ हो गया तुरंत। फिर उनको क्या लगे थे? फिर वहाँ पे कोई सुविधा नहीं दिखी, भैया लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने तुरंत हेल्प की। मेरी बाइक भी वहीं पड़ी है और सिलेंडर भी वहीं पड़ा है। तो आप जा कहाँ रहे थे? हम जा रहे थे जितेंद्र एजेंसी पे। फिर तुरंत हमने वहाँ से जब निकले तो चोट लगने के बाद हम आए डॉक्टर कमलेश जी के यहाँ पे, सर्जन हैं जो, उन्होंने कहा सर्जन के यहाँ ले जाओ। तो वहाँ जब आ गए तो उन्होंने कहा वो डॉक्टर साहब नहीं है, तो हम उनको लेके सीधा तिवारी नर्सिंग होम पे आए जहाँ उनका उपचार हो रहा। अच्छा, तो कितने? ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।